हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक स्विंग मशीन की। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे एक स्विंग मशीन की अनबॉक्सिंग की थी, बट उसका मॉडल दोस्तों स्टेपलर वाला था। बट आज का जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है वो प्रॉपर दोस्तों एक स्विंग मशीन है, और यहाँ पे आपको बैटरी अडाप्टर दोनों ऑप्शन मिलता है, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक स्विंग मशीन को, तो यहाँ पे जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे इसके अंदर हमारी स्विंग मशीन है, और ये है दोस्तों 4-in-1 मिनी स्विंग मशीन। अकियारा ब्रांड की तरफ से आने वाला ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट की इमेज देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको ये इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन मिलती है। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे इसमें दो स्पीड कंट्रोल मिलते हैं, और एसेसरीज जो है वो आगे मैं बता दूंगा। MRP है 2499 रुपीज, बट मैंने कितने परचेस किया वो आगे पता चलेगा। ये आप देख सकते हो एक टेबल मिलती है जिसके हेल्प से आप क्लोथ को रख सकते हो, और यहाँ पे आप मेजरिंग भी कर पाओगे। इसके नीचे आपको कुछ लेग्स मिलेंगे जिसे आपको कुछ इस तरीके से ओपन करना है, और ये बहुत इजीली आपकी मशीन से अटैच हो जाएगी। तो अब जल्दी से दोस्तों ओपन करते हैं हमारा मेन कंटेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो बॉक्स है स्विंग मशीन का, उसमें 3 मंथ की आपको वारंटी मिलती है, और ये आप देखोगे कुछ इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है जो कुछ इस तरीके से पैक हुआ है। यूजर मैनुअल में आपको सब कुछ बताया गया है। फिलहाल आप देखोगे यहाँ पे ये आपको कुछ इतनी एसेसरीज मिलती है। इस पाउच में दोस्तों आपको 4 बॉबिन्स मिलते हैं, एक निडल मिलती है एक्स्ट्रा, और एक निडल थ्रेडर है। ये सब कुछ क्या है दोस्तों आगे आपको मैं इन डिटेल बताता हूँ। फिलहाल आप देखोगे ये आपको एक अडाप्टर मिलता है, और ये दोस्तों एक फुट पैडल है जिसके हेल्प से आप बहुत इजीली स्विंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इसे प्रेस करके यूज करना रहता है, और ये कैसे कनेक्ट होगा वो सब कुछ अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। फिलहाल आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी स्विंग मशीन है वो कुछ इस तरीके से पैक होके आई है, तो जल्दी से इसे अनपैक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोस्तों हमारी स्विंग मशीन। यहाँ पे अकियारा की ब्रांडिंग मेंशन की गई है, और यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिलती है। साथ ही साथ आप देखोगे दोस्तों इसमें बैक साइड में एक रोटेटरी व्हील मिलती है जिसके हेल्प से आप निडल को अप एंड डाउन कर सकते हो। तो ये पूरा दोस्तों मैकेनिज्म जो है वो इसी रोटेटरी व्हील से आप सेटअप कर सकते हो। और यहाँ बैक साइड पे फुट पैडल और अडाप्टर के लिए पोर्ट मिल जाते हैं। दोस्तों इसके ऊपर आपको फुट पैडल को अटैच करना है, और नीचे जो आपका अडाप्टर है उसका पोर्ट दिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको फुट पैडल अगर अटैच करना है तो ये जो आपको केबल मिलती है इसे सिंपली दोस्तों आपको इस फुट पैडल वाले पोर्ट पे कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इस मशीन को आप इलेक्ट्रिकली भी चला सकते हो, और आप बैटरी के हेल्प से भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दोनों कनेक्शन कर लेना है। और अगर बात करें मशीन की, तो यहाँ पे आप देखोगे एक रॉड मिलती है जिसपे आप थ्रेड की रील को अटैच कर सकते हो। साथ ही साथ आपको दोस्तों ये एक व्हील मिलती है जो टेंशन कंट्रोल करता है, इसके हेल्प से आप थ्रेड की टेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एक लीवर मिलता है जिसे टेकअप लीवर बोलते हैं। इसे आप दोस्तों ऊपर करके फैब्रिक क्लोथ को लगा सकते हो, और वापस आप नीचे कर सकते हो। बैक साइड में आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है, जहाँ पे AA की 4 बैटरी लगा के आप बहुत इजीली इसे रन कर सकते हो। तो इस मशीन में आपको दोनों ऑप्शन मिलता है, आप बैटरी या अडाप्टर किसी का भी यूज कर सकते हो। ये जो दोस्तों टेबल है कुछ इस तरीके से यहाँ पे माउंट हो जाती है, और इसके हेल्प से जो आपकी स्टिचिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। और यहाँ पे आपको दोस्तों मेजरिंग भी दी गई है। तो यहाँ पे फिलहाल आप देखोगे मैं अडाप्टर को भी लगा के दिखा दे रहा। यहाँ पे एक बल्ब की बटन है जो इसके हेल्प से आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से इसकी लाइट की इंटेंसिटी है, और इसी के साथ साथ ये जो फुट पैडल है इसका भी मैं आपको यूज दिखा दे रहा। सिंपली आप इसे प्रेस करोगे तो दोस्तों हमारी जो थ्रेडिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके हेल्प से भी आप बहुत इजिली स्टिचिंग कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। और ये बटन भी मिलती है, आप हाई लो 2 ऑप्शन मिलता है। ऑन ऑफ आप देखोगे ये सिंपली ऑन ऑफ करने के लिए है, और नीचे एक बटन है हाई लो की। दोस्तों हाई पे इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्पीडली थ्रेड करेगा, एंड लो पे दोस्तों ये स्लो वर्क करेगा। तो ये दोनों ही आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और ऊपर वाली बटन दोस्तों लाइट ऑन ऑफ की है, जो मैंने आपको बता दी। तो सिंपली आपको इसमें 3 बटन मिलते हैं, और फुट पैडल को सिंपली आपको प्रेस करना है पैर से, तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंपार्टमेंट है ये भी बॉबिन
बॉबिन का कंपार्टमेंट है। दोस्तों ये जो सिंग मशीन है वो डबल थ्रेडिंग करती है, तो आप देखोगे इसमें दो बॉबिन का सेटअप है, एक टॉप पे एंड एक बॉटम पे। तो यहाँ पे दोस्तों जो थ्रेड है वो ऊपर वाले थ्रेड के साथ ज्वाइंट हो जाता है। और अगर बात करें एसेसरीज की, तो यहाँ पे आपको इस पाउच में कुछ इतनी एसेसरीज मिलती है, जहाँ पे आप देखोगे ये जो दोस्तों सर्कल रिंग्स है इसे बॉबिन्स बोलते हैं, इसमें टोटल 4 बॉबिन्स मिलती है आपको दोस्तों मेटल की। यहाँ पे आपको थ्रेड इन बिल्ट है, इस बॉबिन में दोस्तों आपको थ्रेड्स मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और ये एक एक्स्ट्रा निडल है दोस्तों। स्विंग मशीन की निडल कुछ अलग तरीके की होती है, एक साइड से फ्लैट बॉटम, एंड ये जो आप एक टूल देख रहे हो वो बहुत ही कमाल की चीज है दोस्तों, इसे निडल थ्रेडर बोलते हैं, जिसके हेल्प से आप निडल पे थ्रेड को पास कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको इसका सेटअप दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इसका पूरा सेटअप करना है। सबसे पहले आप देखोगे ये जो हमारा एक फ्रंट का बॉबिन है, सबसे पहले इससे आपको कुछ थ्रेड को रिमूव करना है। और अब आपको पूरा सेटअप मैं बता देता हूँ। ये आपको दोस्तों एक सर्कल मिलता है जिसके हेल्प से आपको इस थ्रेड को पास करना है। उसके बाद ये जो आपको एक व्हील दिखता है दोस्तों, ये टेंशन का व्हील है, इस पे आपको एक सर्कल राउंड करना है थ्रेड का कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे मैं बहुत ही इजिली एक सर्कल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आपको दोस्तों ये जो थ्रेड है उसे आगे की तरफ पास करना है, और उसके बाद आप देखोगे अगेन आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसमें आपको इसे इंसर्ट करना है। और सबसे पहले आपको इस रॉड को ऊपर की तरफ कर लेना है, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो एक सर्कल था इससे मैंने थ्रेड को पास कर दिया है। अब ये दोस्तों एक जो मेटल रॉड है इसे कलेक्ट पोल बोलते हैं, इसके अंदर से भी आपको इस थ्रेड को पास करना है। जब आप इतना काम कर लोगे तो आपको इस कलेक्ट पोल को नीचे की तरफ लाना है, और अब आपको यहाँ पे अगेन एक दोस्तों होल मिलेगा जिसके हेल्प से आपको इस थ्रेड को फिर पास करना है। ये पूरा सेटअप दोस्तों आप ध्यान से देखना, कोई भी एक भी सर्कल छूटना नहीं चाहिए। जो भी बॉबिन से मैंने स्टेप्स को स्टार्ट किया है वो सब आप देखते जाओ। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो निडल के पास एक सर्कल मिलेगा ये वाला, इस पे भी आपको इस थ्रेड को पास करना है कुछ इस तरीके से। आप देखोगे यहाँ पे मैंने इसे पास कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट स्टेप जो बचता है वो होता है निडल से इस थ्रेड को पास करना, और उसी के लिए हमारे पास निडल थ्रेडर होता है। ये दोस्तों एक नाइफ टूल है जिसके हेल्प से आप थ्रेड को बहुत इजीली कट कर सकते हो। और अब मैं बॉबिन से थोड़ा थ्रेड और इंक्रीज कर ले रहा जैसे मुझे आगे लेंथ मिल जाए। अब ये जो निडल थ्रेडर टूल है इसका यूज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे निडल का होल होता है उस पर आपको सबसे पहले इसे इंसर्ट करना है, और अब आप देखोगे बहुत ही वाइड गैप आपको मिल रहा है जिसके हेल्प से आपको थ्रेड को पास करना है। और अब ये जो निडल थ्रेडर टूल है सिंपली आपको बैकवर्ड की तरफ पुश करना है। ऐसा करने से जो थ्रेड है वो बहुत ही इजीली निडल से पास हो जाएगा, और ये जो निडल थ्रेडर टूल है वो बहुत ही यूजफुल है। अब दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप कर दिया है। अब यहाँ पे जो बॉटम कंपार्टमेंट है उस पर आपको एक और बॉबिन इंसर्ट करनी है। यहाँ पे जो बॉबिन है उसका सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना क्योंकि बहुत से लोग इसे नहीं सेट कर पाते। आपको कुछ इस तरीके से इसके अंदर बॉबिन को सेटअप करना है, और अब जब आप रोटेटरी व्हील को मूव करोगे तो ऊपर जो थ्रेड है वो नीचे वाले बॉबिन के थ्रेड को कुछ इस तरीके से अपर साइड लाएगा, और अब आपको दोनों को एक साथ करके पीछे की तरफ भेजना है और टेकअप लीवर को डाउन कर देना है। यहाँ पे दोस्तों इस कंपार्टमेंट को आपको क्लोज कर देना है। अब हमारी जो मशीन है वो रेडी टू यूज हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दे रहा है इसके वर्किंग का एंड साउंड का। अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो मशीन है वो बिल्कुल भी अच्छी थ्रेडिंग नहीं कर रही है, बट दोस्तों यहाँ पे टेंशन व्हील अभी सेट नहीं है। जब आप इस क्लोथ को स्ट्रेच करोगे तो आप देखोगे थ्रेडिंग सही हुई है, बट वो जो टेंशन की व्हील है आपको उसे सेटअप करना है। यहाँ पे मैं रोटेटरी व्हील को मूव कर रहा हूँ ताकि हमारी जो निडल है वो अपर साइड आ जाए। यहाँ पे आपको मैं अब एक और ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ, इसके लिए यहाँ पे मैंने टेबल को भी अटैच कर लिया है। ये बड़ा सा फैब्रिक मैंने ले लिया है, आपको इसे दोस्तों उल्टा मूव करना है, और यहाँ पे अब मैं थ्रेडिंग को स्टार्ट कर रहा। और आप देखोगे सिंपली यहाँ पे फुट पैडल के हेल्प से भी मैं थ्रेडिंग कर सकता हूँ। अगर आपको फुट पैडल से थ्रेडिंग करना है तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे बहुत इजीली थ्रेडिंग हो रही है, और आप बटन का भी यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से अभी आप देखोगे दोस्तों टेंशन व्हील को मैं सेट कर रहा हूँ, तभी आपको एक आइडिया मिल पाएगा। इसे आपको एक दो बार करके देखना है, तब दोस्तों आप टेंशन व्हील को सेट कर पाओगे। अभी भी दोस्तों उतने अच्छे तरीके से थ्रेडिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे मैं इस टेंशन व्हील को सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर थ्रेडिंग। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सारा सेटअप कर लिया है, अब आप देखोगे बहुत ही ईजिली इसमें थ्रेडिंग हो रही है, और बिल्कुल भी दोस्तों क्लोथ स्ट्रेच नहीं हो रहा है।
यहाँ पे दोस्तों आपको टेकअप लीवर को अपसाइड करके इस फैब्रिक को मूव करना है और अगेन आप यहाँ पे दोस्तों थ्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे, जब मैंने टेंशन व्हील को एडजस्ट कर लिया तो यहाँ पे प्रॉपर थ्रेडिंग दे रहा है ये मशीन, और यहाँ पे मुझे दोस्तों इसकी थ्रेडिंग बहुत ही कमाल की लगी और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेडिंग है क्योंकि दोस्तों ये डबल साइड है। अब यहाँ पर मैं आपको अगेन ये प्रोसेस दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर थ्रेडिंग करना बहुत ही आसान है और ये जो दोस्तों मशीन है वो मुझे बहुत ही कमाल की लगी। अगर आपको भी ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे लिए दोस्तों थम्स अप है, क्योंकि यहाँ पे इस मशीन की हेल्प से आप देखोगे मैं बहुत ही इजीली थ्रेडिंग कर पा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप बटन की हेल्प से भी थ्रेडिंग कर पाओगे, फुट पैडल का भी यूज़ कर सकते हो, एडाप्टर से भी आप इसे प्ले कर सकते हो और आपको बैटरी का भी ऑप्शन मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे अब यहाँ पर प्रॉपर थ्रेडिंग हो रही है और जब आप इस क्लोथ को सीधा करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको एक कैरी बैग मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आपके सामने ही मैंने बनाया है। तो कुछ इस तरीके से आप भी बहुत ही इजीली घर पे कुछ इस तरीके की चीज़ बना सकते हो। यहाँ पे आपको मैं हेयर ड्रायर रख के दिखा रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से इसकी थ्रेडिंग हुई है और ये दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग है। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग मटेरियल का फैब्रिक ले लिया है तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से मैं इस लीवर को ऊपर करके इसे इंसर्ट करूँगा और उसके बाद आपको इस टेकअप लीवर को डाउन कर देना है। और अब आप देखोगे बहुत ही ईजिली इसमें स्टिचिंग में कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस करना है और जब आप इस पॉइंट पे आ जाओ तो आपको इस मशीन को रोक देना है और टेकअप लीवर को अपसाइड करके इसको आप बहुत ही इजीली मूव कर सकते हो। और अब दोस्तों जब आप निडल को ऊपर करोगे तो आप देखोगे मैंने कुछ इस तरीके से इसका सेटअप किया है और टेकअप लीवर को डाउन करके आप अगेन थ्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर ये जो स्विंग मशीन है वो परफॉर्म कर रही और इसकी जो दोस्तों स्विंग मशीन की थ्रेडिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है और ये दोस्तों डबल बॉबिन से थ्रेड कर रहा है जिसके कारण इसकी स्टिचिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे बहुत ही आसानी से मैंने इस कैरी बैग को प्रिपेयर किया है और इस पर आप कुछ भी कैरी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको ट्यूटोरियल शो किया और यहाँ पे ये सारे ही दोस्तों जो बैग हैं वो बहुत ही स्ट्रांग बन रहे हैं और आप बहुत ही ईजिली इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसके हेल्प से दोस्तों आप किसी भी मटेरियल पर किसी भी फैब्रिक पर थ्रेडिंग कर सकते हो और अगेन मैं आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल भी शो कर दे रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया इस स्विंग मशीन के बारे में। अब अगर बात करें प्राइसिंग की तो बॉक्स में मेंशन है 2500 बट मैंने इसे अमेजोन से 1500 रुपीज़ में परचेस किया है एंड दोस्तों 1500 के अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट बहुत ही कमाल का लगा। तो अगर आपको भी कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए तो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।